खारजा पॉलिसी की नाकामियां जिम्मेदार हुकूमत है या फौज है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान खामोश रद्दअमल भारत से आता है, मशरक वस्ता में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार और पाकिस्तान में दुआओं का, इज्तिमाई दुआओं का सियासी इस्तेमाल, ये सारे मौजूद पर मैं बात करने जा रहा हूँ अगले सेगमेंट्स के अंदर। और इन्हीं टॉपिक्स में जो है सेगमेंट्स में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन में शेयर, काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट जो है बहुत ज़रूरी है आज। और मैं भी आगे चल के, जैसे कि वो इज्तिमाई दुआ वाली बात है, उसमें हमारी जो मंजरनामा है पाकिस्तान का, सियासत का, उस पर बात करूँगा। लेकिन अभी जो है ये बहुत बड़ा इशू है, अब से थोड़ी देर पहले जो है अशरफ गनी साहब जो कि अफगानिस्तान के सदर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने वेलकम किया, उसमें दो तस्वीरें दिखाई, ये ट्वीट जो है स्क्रीन पे अभी आ जाएगी। इस पे उन्होंने वेलकम किया, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, वो उन्होंने वेलकम किया नरेंद्र मोदी को, वजीर आजम, भारत के वजीर आजम वो पहुंच गए हैं अफगानिस्तान और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल है और बड़े गर्मजोशी से अशरफ गनी साहब लिखते हैं कि मैं वेलकम करता हूँ मोदी साहब को अपने दूसरे वतन में, इन हिज सेकेंड होम, और आई लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। में यानी कि मेरी उम्मीद है कि हमारी बड़ी जो है अच्छी कॉन्वर्सेशन और अच्छी बातें हम करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे खित्ते के अंदर जो है इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ये मुलाकात जो है इस पर हमें सस्पिशन और शक की नज़र से देखना लाजमी है, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छी बात होती है कि खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत ने 1950 से लेके, मैं आपको बहुत पीछे लेकर जा रहा हूं, 1950 से लेके, और ये बहुत कम लोग इसको जहन में रखते हैं जब बात कर रहे होते हैं भारत के साथ ताल्लुकात पर, क्योंकि भारत की जो छोटी सोच है वो हमें सामने रखनी चाहिए। 1950 से भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वारफेयर कर रहा है और अफगानिस्तान उसका पहला चॉइस था, पहली वो सरजमीन थी जिसे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, जब उस वक्त ISI भी नहीं थी, ना हाफिज सईद थे, ना लश्कर तैयबा था, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त भारत 1950 से, हम तो प्रॉक्सी वारफेयर में, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने शुरू किया प्रॉक्सी वारफेयर और कश्मीर में और अफगानिस्तान में, हम पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क बहुत लेट आया इस गेम के अंदर। हम भुट्टो साहब, हम शुक्रिया अदा करते हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कि उन्होंने बिलाखिर का कि बहुत हो गया है 1974 में और उन्होंने नौजवान कुछ अफगान मुजाहिदीन को पनाह दी पाकिस्तान में 74 में, उनको ट्रेनिंग दी और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जहां पे हमने भी मजबूरन प्रॉक्सी वारफेयर में आना पड़ा। तो ये जो तस्वीर आपने भी देखी, जो अभी ट्वीट की है अशरफ गनी साहब ने, बहुत अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी हो रही है, मोदी साहब जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। लेकिन मसला ये है कि हमें पता है अफगानिस्तान में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान में तो कोई ऐसी चीजें, कोई तेल नहीं है, कोई ऐसी जखीरे नहीं है वहां पे जो भारत ने इस्तेमाल करने हैं, तो फिर भारत वहां पे क्या कर रहा है? अगर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हो सकता है अगले सदर हो अगले जनवरी 2017 में, वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम वहां पे क्यों उस जंग में दाखिल हो गए और फजूल जंग में हम बैठे हुए हैं और सालाना हम इतने बिलियंस खर्च कर रहे हैं अपने सोल्जर्स के ऊपर, अगर अमरीकी ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हमारे लिए तो वहां पे कुछ भी नहीं है, ना तेल है, ना कुछ और है, क्या है वहां पे, तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया को क्या मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो मोदी साहब इतना फोकस उन्होंने अफगानिस्तान को रखा हुआ है। अभी वो बाय द वे जो आपने ये ट्वीट देखी है अशरफ गनी साहब की, वो गए हुए हैं डैम का अफ्तिताह करने, जो कि सूबा हिरात में है, हिरात वो सूबा है अफगानिस्तान का जो मुल्हका है ईरान के साथ, और फिर इसका जाहिर है इस सूबे का बहुत बड़ी अहमियत है, बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बलूचिस्तान से सी पैक इक्तिसादी राहदारी जो है गवादर से लेकर काशगर तक, चीन तक, उसमें अहम किरदार जो है बलूचिस्तान का सबसे पहले है, फिर जाहिर है बाकी तो पूरा पाकिस्तान में वो फैलेगा। लेकिन इसी तरह सूबा हिरात जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि चाबहार जो अब भारत, अफगानिस्तान और ईरान खड़े कर रहे हैं वो गवादर के आमने सामने, ये सूबा हिरात जो है यहीं से वो ट्रेन, वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन रूट जो चाबहार से निकलनी है वो हिरात से गुजरनी है। हिरात में मोदी साहब जो हैं अब वो इफ्तिताह करने गए हैं एक डैम का, वो डैम का इफ्तिताह करें, वो दिखा रहे हैं कि अपना सॉफ्ट इमेज कि हम अफगानिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात होती कि मोदी साहब जो अभी अफगानिस्तान गए हैं, लेकिन हमें पता है कि मोदी साहब अफगानिस्तान से ना उनको तेल मिलने ना कुछ, उनको अफगान सरजमीन चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, इतनी छोटी सी बात है, ये क्लियर है, ये हमें पता होना चाहिए। आप ये इसका कोई वो अच्छी बाहमी ताल्लुकात और इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल है
और ये उनको वरना ना उनको कोई हीरे मिलने हैं ना कोई फ्रूट्स मिल रहे हैं इंडिया को अफगानिस्तान से, ना तेल मिल रहा है ना गैस मिल रही है, कुछ नहीं है। अफगानिस्तान सिर्फ ये है कि एक वहां पे बैठ के पाकिस्तान की पीठ में जो है छुरा सौंप सकते हैं और वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इंडिया। सवाल ये है कि ये एक नाकामी, ये यानी अफगानिस्तान को इंडिया घेर रहा है। फिर आपने चाबहार का तो देखा ही है, चाबहार के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से तीनों मुल्क इकट्ठे हो गए थे और तीनों मुल्क जो हैं भारत, अफगानिस्तान और ईरान, और तीनों मुल्क जो हैं उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। अगर ये आप बाकी बातें आप सुनते रहेंगे, आप छोड़ें सारी बातों को, सीधी सी बात है, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ना होता मंसूबा तो पाकिस्तान को भी मदऊ किया जाता इस प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इसलिए कि इंडिया जो है इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो इसलिए अफगानिस्तान को और ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, और वो दोनों मुल्क इस्तेमाल हो रहे हैं अपने अपने स्ट्रेटेजिक, उनकी भी इंटरेस्ट है, वो हो रहे हैं अपने 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 रीजन से। अब सवाल यह है कि ये भी चाबहार भी हो गया। इससे पहले हमने देखा मोदी साहब जो है पाकिस्तान के दो मिडल ईस्ट में करीब तरीन हलीफ ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब, वहां पर भी जाके मोदी साहब ने पाकिस्तान का एक सफारती मुहासरा इन दोनों ममालिक में जाके कर दिया, और ये भी हमने देखा। और ये वो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो अभी हम हाल ही में 28 मई जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किए थे, यौम तकबीर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, यौम तकबीर में दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शन लगा दी थी, हमारे ऊपर दुनिया ने हमें, हम तेल खरीदने के काबिल नहीं रहे थे, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग गई थी उस वक्त, हमें मुफ्त तेल कई महीनों के लिए, मुफ्त तेल, पैसे और सिफारती सपोर्ट, हमें तीन चीजों की जरूरत थी उस वक्त, उसे हमें उस वक्त हमें सिफारती डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत थी जो हमारे बिहाफ पे कोई बोले बाहर, हमें उस वक्त तेल की जरूरत थी कि हम उस वक्त पेमेंट ना करें और हमें तेल मिल जाए, और भी फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये हमें उन इन मुल्कों से मिली, तो इधर भी मोदी साहब ने आके घेर लिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये नाकामियां हमारी खारजा पॉलिसी की, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, कौन जिम्मेदार है इस पर? और जब ये बात करने आते हैं तो बात होती है बेसिकली, आप सब देख रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, बात ये होती है कि क्यों हम ये गवर्नमेंट, वैसे तो हुकूमत पे होनी चाहिए लेकिन हुकूमत पे तंकीद ना करें, फौज पे करें तंकीद, क्योंकि फौज जो है वो ड्राइव कर रही है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, फौज जो है वो भारत की पॉलिसी चला रही है पाकिस्तान की, फौज जो है वो अफगानिस्तान की पॉलिसी चला रही है, तो इसलिए फौज के ऊपर तंकीद की जाए, फौज वो पॉलिसी चला रही है, हुकूमत पे जो है वो तंकीद ना की जाए, और बिलखसूस वजीर खारजा नवाज शरीफ साहब पे, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो भी वजीर खारजा भी हैं, आपको पता है कलमदान जो है वजारत खारजा का वो नवाज शरीफ साहब के पास है, तो तंकीद जो है वो फौज पे की जाए वो, तो ठीक है समझ में आती है बात ये। लेकिन मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे ये पता चला कि फौज जो है, कहने में तो हम तजिए करते हुए हम कहेंगे कि हाँ फौज का बड़ा इंटरेस्ट है, इंडिया पॉलिसी फौज चला रही है, अफगानिस्तान चला रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह रियलिटी है कि फौज का यकीनन, क्योंकि मिलिट्री हमारी कॉन्फ्रंटेशन है इंडिया के साथ, तो फौज का उसमें बहुत, कहते हैं कि उसमें बहुत, अंग्रेजी में कहते हैं कि फौज हैज अ लॉट ऑफ से, फौज जो है अपनी रिकमेंडेशंस बहुत देती है इंडिया के हवाले से गवर्नमेंट को, इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से भी देती है, बहुत ज्यादा देती है, इसमें कोई शक नहीं है, और रिकमेंड करती है कि आप इस तरह करें। लेकिन अगर पाकिस्तान, अगर फौज मुकम्मल तौर पे खारजा पॉलिसी भारत के हवाले से फौज चला रही होती, तो अचानक से फौज ने क्या गवर्नमेंट को यह मशवरा दिया था कि आप आम की पेटियां और साड़ी जो है गिफ्ट में मोदी साहब को भेजें? क्या यह फौज की तरफ से ये आई थी आइडिया आया था? क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, जब उसका वजीर आजम आम की पेटियां और साड़ी भेजता है गिफ्ट में एक दूसरे मुल्क के वजीर आजम को, तो वो भी उसमें भी एक हमारा स्ट्रेटेजिक कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई इंटरेस्ट होता है। आपको पता है कि अमरीकी सदर और उनकी जो खातून अव्वल हैं मिशेल ओबामा, अभी पिछले हफ्ते जो है वो हमारे सफीर के घर जलील अब्बास जिलानी साहब के घर पहुंच गई थी वाशिंगटन में। वहां पर ये छोटी से भी इकदाम जब वो उठाते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, पैगाम भेजना चाह रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं। तो जब हमारे वजीर आजम साहब जो है आम की पेटियां या साड़ी भेजते हैं तो उससे भी हम तवक्को करते हैं कि इससे कोई हमारा फायदा निकलेगा, तो फायदा नहीं निकला। हमने देखा कि साड़ियां हमने आम की पेटियां गई थी, कोई फायदा नहीं निकला, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक और वाकया हुआ कि काबुल के अंदर मोदी साहब जो है काबुल गए हुए थे अब से कुछ चंद महीने पहले,
और वहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ स्पीच करके वापस उनका जहाज तैयारा पाकिस्तान की फजाओं से उड़ता हुआ दिल्ली जाते हुए फोन आता है हमारे वजीर आजम साहब को कि मैं लाहौर में रुकना चाह रहा हूं और लाहौर में रुक के मैं आपकी नवासी की शादी अटेंड करना चाह रहा हूं। तो क्या वो मशवरा भी खारजा पॉलिसी के हवाले से, अगर फौज ड्राइव कर रही है इंडिया पॉलिसी, क्या वो मशवरा फौज ने दिया था? मतलब ये इन्वेस्टिगेट करने वाली बातें हैं, मुझे नहीं पता इसका जवाब। हो सकता है फौज ने दिया हो सकता है नहीं दिया हुआ, लेकिन एक डिबेट है, उस पर ये सवालात हैं। मैं सवालात आपके सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि हमें एज पाकिस्तानी शहरी सिटीजन्स हमें इन्फॉर्म्ड और अवेयर होना चाहिए और सारे सवालात करने चाहिए। तो क्या ये फौज ने डिक्टेट किया था और फिर हमें क्या इससे फायदा हुआ? ये पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने से मोदी साहब से हमें क्या स्ट्रेटेजिक फायदा, इंडिया हमें क्या दे रहा है, दिया कुछ हमें या नहीं, ये सवालात हैं। तो अब फिर अहम, सबसे अहम बात, आपको पता है कि 10 मई को कुछ एक महीने बाद मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की और नवाज शरीफ साहब की, और ये बहुत अहम मुलाकात थी। इसमें आर्मी चीफ, ये जो रिपोर्ट्स थी पाकिस्तानी मीडिया में, आर्मी चीफ ने शिकायत की थी कि वजीर नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब, इंडिया ने इतनी जबरदस्त कैंपेनिंग लॉबिंग की है अमेरिका में हमारे F-16 डील के खिलाफ, तो आपने इस पे, आपका जो हमारा जो दफ्तर खारजा वो क्यों चुप रहा? आप क्योंकि कलमदान आपके हाथ में है तो कुछ करना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। तो हमारे चुप होने से भारत की लॉबी जो है वाशिंगटन में, उसे फायदा हुआ है। यहां पे भी एक सवाल उठता है कि अगर सारी फॉरेन पॉलिसी फौज ड्राइव कर रही है तो ये शिकायत फिर आर्मी चीफ ने वजीर आजम से क्यों की? फिर यहां से एक और सवाल उठता है कि अगर फौजी फॉरेन पॉलिसी ड्राइव कर रही है पाकिस्तान की, तो फौज जो है वो सफारत खाने तो नहीं चला रही, और फैसले और कलमदान भी वजीर आजम के हाथ में है, तो कलमदान जो वजीर आजम के हाथ में है वो भी क्या फौज की वजह से है? क्यों एक डेडिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर हमारा नहीं है जिसकी वजह से बहुत बड़े ब्लंडर हो रहे हैं? अपने अपने रीजन से। अब सवाल यह है कि यह भी चाबहार भी होगा, इससे पहले हमने देखा मोदी साहब जो हैं पाकिस्तान के दो मिडल ईस्ट में करीब तरीन हलीफ ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब, वहां पर भी जाके मोदी साहब ने पाकिस्तान का एक सफारती मुहासरा इन दोनों ममालिक में जाके कर दिया, और यह भी हमने देखा। और यह वो ये छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो अभी हम हाल ही में 28 मई जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किए थे, यौम तकबीर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, यौम तकबीर में दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शन लगा दी थी, हमारे ऊपर दुनिया ने हमें, हम तेल खरीदने के काबिल नहीं रहे थे, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग गई थी उस वक्त, हमें मुफ्त तेल कई महीनों के लिए, मुफ्त तेल, पैसे और सिफारती सपोर्ट, हमें तीन चीजों की जरूरत थी उस वक्त, उसे हमें उस वक्त हमें सिफारती डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत थी जो हमारे बिहाफ पे कोई बोले बाहर, हमें उस वक्त तेल की जरूरत थी कि हम उस वक्त पेमेंट ना करें और हमें तेल मिल जाए, और भी फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये हमें उन इन मुल्कों से मिली, तो इधर भी मोदी साहब ने आके घेर लिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये नाकामियां हमारी खारजा पॉलिसी की, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, कौन जिम्मेदार है इस पर? और जब ये बात करने आते हैं तो बात होती है बेसिकली, आप सब देख रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, बात ये होती है कि क्यों हम, ये गवर्नमेंट वैसे तो हुकूमत पे होनी चाहिए लेकिन हुकूमत पे तंकीद ना करें, फौज पे करें तंकीद, क्योंकि फौज जो है वो ड्राइव कर रही है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, फौज जो है वो भारत की पॉलिसी चला रही है पाकिस्तान की, फौज जो है वो अफगानिस्तान की पॉलिसी चला रही है, तो इसलिए फौज के ऊपर तंकीद की जाए, फौज वो पॉलिसी चला रही है, हुकूमत पे जो है वो तंकीद ना की जाए, और बिलखसूस वजीर खारजा नवाज शरीफ साहब पे, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो भी वजीर खारजा भी हैं, आपको पता है कलमदान जो है वजारत खारजा का वो नवाज शरीफ साहब के पास है, तो तंकीद जो है वो फौज पे की जाए। वो तो ठीक है, समझ में आती है बात ये, लेकिन मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, और मुझे ये पता चला कि फौज जो है, कहने में तो हम तजिए करते हुए हम कहेंगे कि हाँ फौज का बड़ा इंटरेस्ट है, इंडिया पॉलिसी फौज चला रही है, अफगानिस्तान चला रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह रियलिटी है कि फौज का यकीनन, क्योंकि मिलिट्री हमारी कॉन्फ्रंटेशन है इंडिया के साथ, तो फौज का उसमें बहुत, कहते हैं कि उसमें बहुत, अंग्रेजी में कहते हैं कि फौज हैज अ लॉट ऑफ से, फौज जो है अपनी रिकमेंडेशंस बहुत देती है इंडिया के हवाले से गवर्नमेंट को, इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से भी देती है, बहुत ज्यादा देती है, इसमें कोई शक नहीं है, और रिकमेंड करती है कि आप इस तरह करें।
लेकिन अगर पाकिस्तान अगर फौज मुकम्मल तौर पर खारजा पॉलिसी भारत के हवाले से फौज चला रही होती तो अचानक से फौज ने क्या गवर्नमेंट को यह मशवरा दिया था कि आप आम की पेटियां और साड़ी जो है गिफ्ट में मोदी साहब को भेजें? क्या यह फौज की तरफ से यह आई थी आइडिया आया था? क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, जब उसका वजीर आजम आम की पेटियां और साड़ी भेजता है गिफ्ट में एक दूसरे मुल्क के वजीर आजम को, तो वो भी उसमें भी एक हमारा स्ट्रेटेजिक कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी कोई ऑब्जेक्टिव कोई इंटरेस्ट होता है। आपको पता है कि अमरीकी सदर और उनकी जो खातून अव्वल हैं मिशेल ओबामा, अभी पिछले हफ्ते जो है वो हमारे सफीर के घर जलील अब्बास जिलानी साहब के घर पहुंच गई थी वाशिंगटन में। वहां पे ये छोटी से भी इकदाम जब वो उठाते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, पैगाम भेजना चाह रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं। तो जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है आम की पेटियां या साड़ी भेजते हैं तो उससे भी हम तवक्को करते हैं कि इससे कोई हमारा फायदा निकलेगा, तो फायदा नहीं निकला। हमने देखा कि साड़ियां हमने आम की पेटियां गई थी, कोई फायदा नहीं निकला, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक और वाकया हुआ कि काबुल के अंदर मोदी साहब जो है काबुल गए हुए थे अब से कुछ चंद महीने पहले, और वहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ स्पीच करके वापस उनका जहाज तैयारा पाकिस्तान की फजाओं से उड़ता हुआ दिल्ली जाते हुए फोन आता है हमारे वजीर आजम साहब को कि मैं लाहौर में रुकना चाह रहा हूं और लाहौर में रुक के मैं आपकी नवासी की शादी अटेंड करना चाह रहा हूं। खारजा पॉलिसी की नाकामियां जिम्मेदार हुकूमत है या फौज है? लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान खामोश रद्द अमल भारत से आता है, मशरक वस्ता में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार, और पाकिस्तान में दुआओं का इज्तिमाई दुआओं का सियासी इस्तेमाल, ये सारे मौजूद पे मैं बात करने जा रहा हूं अगले सेगमेंट्स के अंदर। और इन्हीं टॉपिक्स में जो है सेगमेंट्स में मैं कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी खासी इंफॉर्मेशन में काफी चीजें मैं शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन स्टार्ट जो है बहुत जरूरी है आज। और मैं भी आगे चल के जैसे कि वो इज्तिमाई दुआ वाली बात है उसमें हमारी जो मंजरनामा है पाकिस्तान का सियासत का उस पर बात करूंगा, लेकिन अभी जो है ये बहुत बड़ा इशू है। अब से थोड़ी देर पहले जो है अशरफ गनी साहब जो कि अफगानिस्तान के सदर हैं उन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने वेलकम किया, उसमें दो तस्वीरें दिखाई, ये ट्वीट जो है स्क्रीन पे अभी आ जाएगी। इस पे उन्होंने वेलकम किया, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, वो उन्होंने वेलकम किया नरेंद्र मोदी को, वजीर आजम भारत के वजीर आजम वो पहुंच गए हैं अफगानिस्तान और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल है और बड़े गर्म जोशी से अशरफ गनी साहब लिखते हैं कि मैं वेलकम करता हूँ मोदी साहब को अपने दूसरे वतन में इन हिज सेकेंड होम और आई लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। में यानी कि मेरी उम्मीद है कि हमारी बड़ी जो है अच्छी कॉन्वर्सेशन और अच्छी बातें हम करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे खित्ते के अंदर जो है इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ये मुलाकात जो है इस पर हमें सस्पिशन और शक की नज़र से देखना लाजमी है, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छी बात होती है कि खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत ने 1950 से लेके, मैं आपको बहुत पीछे लेकर जा रहा हूं, 1950 से लेके, और ये बहुत कम लोग इसको जहन में रखते हैं जब बात कर रहे होते हैं भारत के साथ ताल्लुकात पर, क्योंकि भारत की जो छोटी सोच है वो हमें सामने रखनी चाहिए। 1950 से भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वारफेयर कर रहा है और अफगानिस्तान उसका पहला चॉइस था, पहली वो सरजमीन थी जिसे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। जब उस वक्त ISI भी नहीं थी, ना हाफिज सईद थे, ना लश्कर तैयबा था, कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त भारत 1950 से हम तो प्रॉक्सी वारफेयर में, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने शुरू किया प्रॉक्सी वारफेयर और कश्मीर में और अफगानिस्तान में। हम पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क बहुत लेट आया इस गेम के अंदर। हम भुट्टो साहब, हम शुक्रिया अदा करते हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कि उन्होंने बिलाखिर का कि बहुत हो गया है 1974 में और उन्होंने नौजवान कुछ अफगान मुजाहिदीन को पनाह दी पाकिस्तान में 74 में, उनको ट्रेनिंग दी और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जहां पे हमने भी मजबूरन प्रॉक्सी वारफेयर में आना पड़ा। तो ये जो तस्वीर आपने भी देखी, जो अभी ट्वीट की है अशरफ गनी साहब ने, बहुत अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी हो रही है, मोदी साहब जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। लेकिन मसला ये है कि हमें पता है अफगानिस्तान में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान में तो कोई ऐसी चीजें, कोई तेल नहीं है, कोई ऐसी जखीरे नहीं है वहां पे जो भारत ने इस्तेमाल करने हैं, तो फिर भारत वहां पे क्या कर रहा है? अगर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि हो सकता है अगले सदर हो अगले जनवरी 2017 में, वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम वहां पे क्यों उस जंग में दाखिल हो गए और फजूल जंग में हम बैठे हुए हैं और सालाना हम इतने बिलियंस खर्च कर रहे हैं अपने सोल्जर्स के ऊपर, अगर अमरीकी ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हमारे लिए तो वहां पे कुछ भी नहीं है, ना तेल है ना कुछ और है, क्या है वहां पे?
तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया को क्या मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो मोदी साहब इतना फोकस उन्होंने अफगानिस्तान को रखा हुआ है। अभी वो बाय द वे जो आपने ये ट्वीट देखी है अशरफ गनी साहब की, वो गए हुए हैं डैम का अफ्तिताह करने, जो कि सूबा हिरात में है। हिरात वो सूबा है अफगानिस्तान का जो मुल्हका है ईरान के साथ। और फिर इसका जाहिर है इस सूबे का बहुत बड़ी अहमियत है, बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बलूचिस्तान से सी पैक इक्तिसादी राहदारी जो है गवादर से लेकर काशगर तक चीन तक, उसमें अहम किरदार जो है बलूचिस्तान का सबसे पहले है, फिर जाहिर है बाकी तो पूरा पाकिस्तान में वो फैलेगा। लेकिन इसी तरह सूबा हिरात जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि चाबहार जो अब भारत अफगानिस्तान और ईरान खड़े कर रहे हैं वो गवादर के आमने सामने, ये सूबा हिरात जो है यहीं से वो ट्रेन, वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन रूट जो चाबहार से निकलनी है वो हिरात से गुजरनी है। हिरात में मोदी साहब जो हैं अब वो इफ्तिताह करने गए हैं एक डैम का, वो डैम का इफ्तिताह करें, वो दिखा रहे हैं कि अपना सॉफ्ट इमेज कि हम अफगानिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात होती कि मोदी साहब जो अभी अफगानिस्तान गए हैं, लेकिन हमें पता है कि मोदी साहब अफगानिस्तान से ना को तेल मिलने ना कुछ, उनको अफगान सरजमीन चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इतनी छोटी सी बात है, ये क्लियर है, ये हमें पता होना चाहिए। आप ये इसका कोई वो अच्छी बाहमी ताल्लुकात और इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल है। और ये उनको वरना ना उनको कोई हीरे मिलने हैं, ना कोई फ्रूट्स मिल रहे हैं इंडिया को अफगानिस्तान से, ना तेल मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, कुछ नहीं है। अफगानिस्तान सिर्फ ये है कि एक वहां पे बैठ के पाकिस्तान की पीठ में जो है छुरा सौंप सकते हैं और वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इंडिया। सवाल ये है कि ये एक नाकामी, ये यानी अफगानिस्तान को इंडिया घेर रहा है। फिर आपने चाबहार का तो देखा ही है, चाबहार के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से तीनों मुल्क इकट्ठे हो गए थे, और तीनों मुल्क जो हैं भारत, अफगानिस्तान और ईरान, और तीनों मुल्क जो हैं उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। अगर ये आप बाकी बातें आप सुनते रहेंगे, आप छोड़ें सारी बातों को, सीधी सी बात है, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ना होता मंसूबा तो पाकिस्तान को भी मधु किया जाता इस प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान को मधु नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ इसलिए कि इंडिया जो है इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो इसलिए अफगानिस्तान को और ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, और वो दोनों मुल्क इस्तेमाल हो रहे हैं अपने अपने स्ट्रेटेजिक, उनकी भी इंटरेस्ट है, वो हो रहे हैं अपने।